हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। इस फ्राइडे 16 दिसंबर को रिलीज़ हुई है अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। हम लोग इसे अवतार के नाम से ही बोलते हैं, लेकिन जो है फॉरेन में इस फिल्म को अवतार के नाम से ही बोला जाता है। एंड ये फिल्म आपको एक 3D का एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। और जब ये फिल्म 2009 में अवतार आई थी तब भी इसकी बहुत चर्चा हुई थी, और अभी कुछ महीनों पहले जब ये फिल्म दोबारा से थिएटर में रिलीज़ हुई थी एक्स्ट्रा इसमें कुछ चेंजेस करके और इसे 4DX में रिलीज़ किया गया था, तब मैं नहीं देख पाई थी, लेकिन लोगों ने देखा, उसकी बहुत तारीफ़ की है। और ओरिजिनल फिल्म से जो ये जो रीमेक इसका था, जो रीमास्टर करके जिसको सिनेमाघर में रिलीज़ किया गया था, उस फिल्म का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया, जो कि मैं नहीं देख पाई थी। मैंने जस्ट इसको एक बार फर्स्ट पार्ट को देख के रिवाइज़ कर लिया था एक बार सेकेंड पार्ट देखने से पहले। और ये सेकेंड पार्ट जो द वे ऑफ वाटर एक आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। फर्स्ट पार्ट अवतार का जो था लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, और उसी प्रकार लोगों को बहुत इंतज़ार था इस सेकेंड पार्ट का द वे ऑफ वाटर। और नो डाउट ये फिल्म लोगों की आशाओं को पूरा करती है और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने भी इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया। बेसिकली इसकी स्टोरी एक वॉर स्टोरी है। जो फर्स्ट पार्ट में जो स्टोरी ख़त्म हुई थी उसके बाद जो जेक सुली वहीं पे रह जाते हैं पेंडोरा में ही, तो आगे जाके उनकी फैमिली हो जाती है, फिर वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन इस पार्ट में जो है फिर से ह्यूमंस आते हैं और एक वॉर दोनों के बीच में, ह्यूमंस और पेंडोरा नावीज़ के बीच में छिड़ जाता है। तो ये तो हो गई वहाँ की बेसिकली स्टोरी। और सरप्राइज में ये है कि बदला स्टोरी है, जिसकी फर्स्ट पार्ट में जो जो जनरल था जनरल जो था मर गया था, उसकी फिर से वापसी होती है। तो उसकी वापसी कैसे होती है ये आप फिल्म में देखेंगे तब फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो है फिर से अपनी टीम को लेकर के यहाँ आते हैं, और उनका मेन पर्पस जो होता है जेक सुली से बदला लेना होता है। और जेक सुली जो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो वॉर नहीं लड़ना नहीं चाहता उन लोगों से, वो सिर्फ सोचता है कि मैं छुप के बच के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। तो इसीलिए वो पहले हाइड करता है, फिर छुपता है, फिर भागता है। लेकिन फाइनली जब वो लोग उन्हें ह्यूमंस उन्हें ढूंढ लेते हैं, तो उसे ना चाहते हुए भी ह्यूमन से लड़ाई करनी पड़ती है, वॉर करना पड़ता है और जीतना पड़ता है। तो ये तो बेसिकली स्टोरी की। लेकिन इस फिल्म ये फिल्म आपको 3D का बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस देती है, बहुत ही बढ़िया। आपको इस बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए इस मूवी को। जो इंटरवल के बाद जो है वाटर के जो समुद्र के सीन्स जो हैं, जो वे ऑफ वाटर जो मूवी है वो उसका ज़्यादा दिखाया जाता है इसमें। इंटरवल के बाद ही आपको समुद्र से रिलेटेड और वाटर, लेकिन अंडर वाटर के जो सीन्स हैं, अंडर वाटर का जो वर्ल्ड दिखाया है, और वो बहुत ही अमेजिंग है। और ये फिल्म आपको एक 3D का एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। हम मूवी देख रहे हैं तो जब मूवी में कोई ऐसे सीन चल रहा था, तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम उसी में बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हैं। थोड़ी देर बाद हमको ध्यान आता है कि अरे ये मूवी तो बिल्कुल सामने, जो वो इतनी दूर वहाँ पे जो स्क्रीन है वहाँ पे चल रही है। तो बीच में कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लगता है कि मूवी हमारे सामने ही बिल्कुल चल रही है, वो सीन हमारे सामने चल रहा है। जैसे कि शुरू में एक बार कुछ जब आग लग जाती है, तो उसमें जो आग के जो पार्टिकल्स उड़ रहे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र में आग उड़ती है, वैसे ही यहाँ पे आग के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। तो जब वो सीन में देख रहे, तो मैंने नोटिस किया कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पूरे हॉल में उड़ रहे हैं। तो मुझे लगा यहाँ से वहाँ, यहाँ वहाँ सब उड़ रहे हैं, ये ध्यान जाता है। तो आप थोड़ी देर तक तो आपको लगता है कि बिल्कुल सीन सबको सामने चल रहा है, फिर थोड़ी देर में ध्यान आता है कि अरे वो मूवी तो बिल्कुल सामने, वो वहाँ पे स्क्रीन है वहाँ चल रही है। ऐसी एक वाटर का सीन था इसमें, जब बारिश हो रही होती है, तो जब बारिश हो रही थी तो हम मूवी देख रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एकदम से बारिश जो है वहाँ पर स्क्रीन में बारिश हो रही, धीरे धीरे, और एकदम से बारिश की बूंदें यहाँ पर गिरी, तो मैं एकदम से पीछे हो गई। मुझे लगा इसे अगर इस मूवी को आप 4DX में एंजॉय कर, अगर 4DX में एक्सपीरियंस करेंगे, तो नेचुरली जो बारिश हो रही थी तो वो कुछ बूंदें हमारे ऊपर भी गिरती, तो हमको बिल्कुल ही बारिश का अनुभव होता। लेकिन वो नहीं, लेकिन बिल्कुल बारिश जस्ट मेरे सामने ऐसे ऐसे हो रही थी। तो कुछ इसमें सीन्स हैं जो ऐसे हैं जो 3D का एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। और पूरी फिल्म की स्टोरी में एक टेंशन सा भरा माहौल रहता है, आप बिल्कुल सीट से हिलेंगे भी नहीं, एकदम टेंस होकर मूवी देखते कि अब क्या होगा, अब कैसे ये लोग बचेंगे, मतलब कैसे। और काफ़ी इसमें एक्शन से भरपूर है मूवी,
और जो इस मूवी का नाम जो रखा गया है द वे ऑफ वाटर, वो वास्तव में आपको वाटर की जो अंडर वाटर समुद्र के अंदर की जो दुनिया दिखाई देती है वो बहुत ही खूबसूरत है। आपको जो इसमें जो जो पावर्स होती हैं वो सब नेचुरल पावर्स वगैरह इसमें दिखाया गया है वो बहुत बढ़िया। लेकिन ये कहूँगी कि आपको ये इसका इसका 3D में एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने 3D में ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हैं तो इसका जो 3D एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया है, आपको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। मूवी बहुत बढ़िया है, तो आप ज़रूर देखिए इस मूवी को और बताइएगा कैसी लगी आपको मूवी। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।